इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। हम यहाँ पर NH4 पर बेलगाम मुंबई बेंगलोर रोड पर हाईवे पर यहाँ पर खड़े हैं। मेरे साथ हैं ओंकार सिंह ढिल्लों जो उत्तराखंड से चले हुए हैं। उनका मकसद है कि EVM हटाओ देश बचाओ। EVM को लेकर उन्होंने एक इनकलाब एक तहरीक छेड़ी हुई है जो वो मुस्तकिल जारी है। कई सारे लोग उनको फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। 60,000 से भी ज़्यादा लोग उनके फॉलोअर्स हैं। उनका यही मकसद है कि किसी तरह से इस देश को अगर बचाना है तो ये EVM को हटाया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके ख्याल जानना चाहते हैं। ढिल्लों साहब, आपका हमारे चैनल पर खैर मकदम। बताइए कि ये मकसद क्या है आपका? मेरा नाम ओंकार सिंह है। मेरा ये मकसद है कि जो EVM है ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि वोटों की चोरी से बनी हुई सरकार ना देश का भला कर सकती है ना देश जनता का भला कर सकती है। आप देख रहे होंगे जो इस समय देश की हालात है, छात्र किसान व्यापारी सब परेशान हैं, स्टूडेंट जितने भी देख लो, जो ट्रांसपोर्ट लाइन है वो सब ठप पड़ी हुई है। इन्हें वोट कौन दे रहा है? इनको वोट केवल मशीनें दे रही हैं, उसमें इनपुट अलग है आउटपुट अलग है। तो यही हमारे बड़ी बहुत बड़ी विडंबना है, हमें EVM को हटाना पड़ेगा। सर, और भी दिगर मसाइल भारत में हैं और कई सारे, मतलब आप देख सकते हैं कि GST हो या नोटबंदी हो, फिर कश्मीर का 370 धारा का हो, फिर अभी हाल ही में अयोध्या का मामला हो, फिर इसके बाद भाजपा सरकार कॉमन सिविल कोड की तरफ जाना चाहती है। ये तमाम मसलों की तरफ वो लोगों का जब ध्यान भटका रही है तो EVM की तरफ जनता क्यों नहीं आ रही? देखो, उनकी तानाशाही है ये। इसमें अगर EVM ही नहीं होती, ठीक है, तो ये दोबारा नहीं आते। अब उनको पता है हम केवल मुद्दे उलझा के, क्योंकि तो वो उनका जो ध्यान है रोटी कपड़ा और मकान की तरफ नहीं है, ना उनका किसी विकास की तरफ ध्यान है, तो वो केवल मुद्दों में उलझाना चाहते हैं जनता को, और उसमें उन्होंने उलझा रखा है और वो EVM से चुनाव जीतते हैं। अच्छा, ये आप जो आंदोलन लेकर चले, ये कहाँ से निकले हैं? मैं उत्तराखंड से निकला हूँ। उत्तराखंड से मैं उत्तर प्रदेश, वहाँ से दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र होते हुए कर्नाटक पहुँचा हूँ। यहाँ से मैं चेन्नई जाऊँगा, चेन्नई से बेंगलोर, चेन्नई से पुरी होते कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली पहुँचूँगा। बहुत बहुत ओंकार सिंह ढिल्लों साहब, ये जो हमारे साथ मौजूद हैं, वाकई बहुत कम लोग हैं इस देश में। हमें चाहिए कि ऐसे लोगों से हमें कुछ सीखना चाहिए, जनता को भी सीखना चाहिए, क्योंकि जब तक जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद ना होगी तो जुल्म का एहसास भी नहीं होगा, और जब जुल्म का एहसास नहीं होगा तो पूरे के पूरे लोग गुलामी में चले जाएँगे। बेलगाम शहर के भी गोकाक में अभी हाल ही में इंतखाबात हैं, और इन्हीं के मद्देनज़र इनका भी यही कहना है कि जब तक ये EVM रहेगी बीजेपी ही जीतती रहेगी। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।